अपने स्टाइल, अपनी जानलेवा स्माइल से लाखों करोड़ों लोगों को दीवाना करने वाले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला आजकल बिग बॉस में आने की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम अशोक शुक्ला है, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे। उनकी माँ का नाम रीता शुक्ला है। सिद्धार्थ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल फोर्ट से की है। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है। सिद्धार्थ बचपन से ही एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे। वो अपने स्कूली दिनों में टेनिस और फुटबॉल खेला करते थे। सिद्धार्थ काफी पतले हुआ करते थे और अपनी माँ और बहनों की बात सुनकर उन्होंने एक बार फैशन कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया था। इस समय वो हार जरूर गए थे, लेकिन उनकी किस्मत तो उन्हें सुपरस्टार ही बनाना चाहती थी। उन्हें इस कॉन्टेस्ट के हारने के बाद भी पैंटलून की एड कैंपेन का हिस्सा बनने का मौका मिला। उसके बाद ही सिद्धार्थ ने मॉडलिंग करना शुरू किया और 2005 में वो नेशनल मैनहंट कॉन्टेस्ट के फर्स्ट रनर अप बने। लेकिन जीतने के कुछ समय बाद ही उनके पापा का लंग डिसऑर्डर की वजह से निधन हो गया। अपने पापा की अचानक मौत के बाद सिद्धार्थ अपनी माँ के ज्यादा करीब आ गए थे। इसके बाद सिद्धार्थ एशिया के पहले बेस्ट मॉडल बने थे वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में। इसके बाद उन्हें कई एडवर्टाइजमेंट्स में काम करने का मौका मिला। मॉडलिंग करने के बाद, एड्स में काम करने के बाद हैंडसम हंक सिद्धार्थ को पहली बार छोटे पर्दे पर काम करने का मौका मिला था। 2008 में उन्होंने शो बाबुल का आंगन छूटे ना से डेब्यू किया था, जिससे उन्हें ज्यादा पहचान तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, काम जरूर मिलने लगा था। उन्होंने इसके बाद सीरियल जाने पहचाने से अजनबी में काम किया। इस किरदार को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला। लेकिन 2013 में कलर्स के सीरियल बालिका वधु में काम करने के बाद मानो उनकी जिंदगी ही बदल गई हो। इसके बाद सिद्धार्थ ने 2013 में झलक दिखला जा सीजन 6 में हिस्सा लिया था। उसके बाद साल 2014-2015 के बीच उन्हें सावधान इंडिया होस्ट करने का मौका मिला। सिद्धार्थ ऊंचाइयां छूते जा रहे थे, उनके सितारे बुलंदियों पर थे। 2014 में उन्हें आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने आलिया के मंगेतर की भूमिका अदा की थी, जिसका नाम अंगद होता है। फिल्म में आलोचकों ने सिद्धार्थ के अभिनय की बेहद तारीफ की थी। करण जौहर के प्रोडक्शन तले काम करने के बाद तो मानो उनकी लॉटरी ही निकल गई हो। करण जौहर के साथ काम करने के बाद सिद्धार्थ का ऐसा मानना था कि करण उनके लिए नरेंद्र मोदी की तरह है। उन्हें लगने लगा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिद्धार्थ के पास कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आते चले गए। 2016 में इंडियाज गॉट टैलेंट 7 शो को होस्ट किया। फिर सिद्धार्थ ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में हिस्सा लिया था और विनर भी बने थे। 2016 में उन्होंने अपने काम से लोगों को खुश किया। वहीं साल 2017 में उन्होंने सीरियल दिल से दिल तक से लोगों का दिल जीता। पार्थ भानुशाली का किरदार लोगों को बेहद पसंद आया। उन्हें अपने काम के लिए कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 2012 में गोल्डन पेटल अवार्ड्स मोस्ट लोकप्रिय फेस, बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल ऑन कलर्स। 2013 में ITA अवार्ड्स परफॉर्मर ऑफ द ईयर। 2014 जी गोल्ड अवार्ड्स मोस्ट फिट एक्टर। 2014 स्टारडस्ट अवार्ड्स ब्रेक थ्रू सपोर्टिंग परफॉर्मेंस हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के लिए, और फिर 2017 में HT मोस्ट स्टाइलिश एक्टर। वहीं सिद्धार्थ ने जहां इतने सीरियल्स में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई, वहीं दूसरी तरफ विवादों से भी उनका नाता जुड़ता चला गया। 2014 में सिद्धार्थ को नशे में ड्राइविंग के लिए बुक किया गया था और उसी के लिए पुलिस को जुर्माना देना पड़ा था। उनका लाइसेंस भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था।
इसके बाद 2017 में सीरियल दिल से दिल तक के सेट पर सिद्धार्थ की मनमानी, बदतमीजी, लेट लतीफी और गाली गलौज की वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने थे। उस समय खबरें आई थी कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ भी उनकी लड़ाई हो गई थी। इसके बाद ये खबरें आई थी कि इसी शो में सेकंड लीड का रोल निभा रहे कुणाल वर्मा और शो की प्रोजेक्ट हेड शीतल भाटिया से भी उनका विवाद हो गया था। उसके बाद विवाद यहीं खत्म नहीं हुए। फिर जुलाई 2018 में ओशीवारा में कार के डिवाइडर से टकराने के बाद उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और एक व्यक्ति घायल हो गया था। वहीं उनके लव अफेयर्स की बात की जाए तो उनका नाम रश्मि देसाई और दृष्टि धामी के साथ जुड़ चुका है। वहीं अब उनका नाम कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह के साथ जुड़ रहा है। वैसे अब बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ क्या धमाल करते हैं, कितनी लड़कियों को घायल करते हैं, किस गेम प्लान के साथ घर के अंदर एंट्री लेते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।